वेलकम टू माय चैनल एम्बिशन वैदिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज हमारी कोई क्लास नहीं है, ना आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हम लोग, ना फिजिक्स, ना मैथ्स, ना वैदिक मैथ्स, ना मेंटल मैथ्स, ना रीजनिंग, ये सब हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। आज हम एक टॉपोस्ट टॉप के ऊपर डिस्कशन करने वाले। टॉपोस्ट टॉप कैसा है कि हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे दुनिया के, हमारे भारत के सारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, पर कुछ बच्चे सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन बच्चों, जो बच्चे सक्सेस हुए वही टैलेंटेड है, और जिन बच्चों में सक्सेस नहीं हुए उन बच्चों में टैलेंट की कमी है। मैं आपको एक थॉट बोलना चाहता हूं कि नो चाइल्ड इज ए वीक चाइल्ड एंड नो चाइल्ड इज ए बैड चाइल्ड। मतलब हमारे दुनिया का कोई भी बच्चा ना कमजोर होता है और ना वो बुरा होता है। हम क्या करते, मैं ये अपील करूंगा पूरे स्कूल से, डायरेक्टर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कि ये वीडियो आप सब लोग देखिए और हर एक बच्चे पे उतना ही मेहनत कीजिए जितना हम टॉपर्स पे करते। भले हमारा आज का टॉपिक टॉपर्स टॉक है, पर ये टॉपर्स टॉक का मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग सिर्फ टॉपर्स ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और सिर्फ हम टॉपर्स को वैल्यू देना चाहते हैं। मैं ऐसे ही एक फैमिली की बात करूंगा जिस फैमिली का नाम है राठी फैमिली, जो कि महाराष्ट्र वर्धा डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते। उनके दोनों बच्चे हमारे पास एक 2 साल से फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ रहे। एक बच्चे ने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, दैट मीन्स इंडियन टैलेंट सर्च एग्जाम में उस बच्चे ने पूरे इंडिया में क्लास 8 में 4th रैंक अचीव किया। उस बच्चे ने काफी मेहनत किया होगा, तो सबसे पहले मैं उसके पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने काफी मेहनत की होंगी, उन पे ध्यान दिया होगा। उस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया में नेशनल रैंक 4th, मतलब पूरे भारत में उसका रैंक 4th है। उसका छोटा भाई वेदांत राठी, जो कि हमारे ही फाउंडेशन क्लास में था, उस बच्चे ने ऑल महाराष्ट्र में उस बच्चे ने 5th रैंक स्कोर किया, 5th रैंक, जबकि हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि अगर कोई बच्चा अगर कम भी परसेंटेज लाता है, कम भी मार्क्स लाता है, तो हमने उसके स्किल, उसके टैलेंट, उसके लॉजिक्स, उसके आइडियाज, उसके थॉट थिंकिंग प्रोसेस, उसके थॉट प्रोसेस को बढ़ाना है, ना कि हमको उसके मार्क्स और हमें उसके परसेंटेज देखना है। तो फ्रेंड्स, आज ये बच्चे भी कुछ आपको बताना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा कि ये बच्चे क्या बताना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग हर दिन, हर हफ्ते हमारे चैनल्स को देखें, क्योंकि हम लोग हर वीक में टॉपर्स टॉक, यानी एनटीएससी का टॉपर्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे 99, 98, 97% स्कोर करना है, अगर कोई बच्चा 60% ला रहा है तो उसको कैसे 80% तक पहुंचना है, अगर कोई बच्चा 40% ला रहा है तो उसको कैसे 80 तक पहुंचना है, हम हर वीक में एक टॉपर्स टॉक पे बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूर राठी, आई एम प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 9। आई हैव सिक्योर्ड 4th नेशनल रैंक in Indian Talent Search Examination in Class 8 Session 2019-20, and I won a tablet in the subject Science. I am very thankful to Ambition Vedic Coaching Institute that helped me achieve my this goal. The faculty at this institution is very good, skillful, cooperative, and they guide us in an appropriate manner. And they supported me. I achieved this goal only because of the hard work of this faculty. I am studying in this institute since last 2 years, and still I am in the same institute. Now you people are very lucky that you all are going to get education and coaching through the faculties and
same institute. Thank you. Myself Vedanta T. I am presently studying in class 7. I have joined Ambition Vedic Coaching Institute since last year and still I am studying in this institute. In class 6, I have got 5th state level rank in Indian Talent Search Exam in science. And as a reward, I have got a scholarship of 1000 rupees. And also, I have got a gold medal in Maths Olympiad. This is only because of this institution. The faculty here is very hardworking, cooperative and skillful, and they have guided me in a systematic way that helped me to achieve my goals. And I am very thankful to Ambition Vedic Coaching Institute. Now you people are very lucky that you all are going to get guidance and coaching from this institute. Thank you. Hello friends. अभी आप लोगों ने देखा मयूर और वेदांत ने अपना experience शेयर किया. तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हर हफ्ते हमारे इसी तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बताएंगे. तो मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों से और टीचर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द स्कूल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब लोग ये मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मोटिवेशनल जो टॉक्स है वो हर हफ्ते हम लोग अपने बच्चों का डालेंगे. कभी कभी हम पेरेंट्स का भी एक्सपीरियंस डालने वाले हैं, कभी कभी हम स्कूल के डायरेक्टर्स का भी एक्सपीरियंस डालने वाले हैं और प्रिंसिपल का भी एक्सपीरियंस डालने वाले हैं. तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को अने बताइए कि किस तरह से और अने शेयर करना है और इस वीडियो को अने मैक्सिमम आपके जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चा उसको बताइए. मैं समाज के उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसके पैसे के कारण कुछ हमारे पेरेंट्स और बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनको हमारे चैनल के को बताइए. हम उन बच्चों को पढ़ना चाहते हैं, हम उन बच्चों को आगे लाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारा कोई भी फीस हम उन बच्चों से नहीं लेंगे. वी वॉन्ट टू टीच देम, वी वॉन्ट टू टीच इंडिया, वी वॉन्ट टू टीच द वर्ल्ड. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.